नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण। जन की बात में बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे कोरोना पर, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई देश में नजर आ रही है। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 3 लाख का आंकड़ा जो है पारुल, वो नॉर्मल सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये कुछ भी जो हालात है, स्थिति है, वो कुछ भी नहीं है। इससे और ज्यादा भयावह स्थिति हमें देखनी है, क्योंकि अब जो है स्थिति ये है कि एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, जानकार जो कह रहे हैं कि कोरोना का पीक जल्द ही आने वाला है, उस ओर हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम डरा नहीं रहे हैं आपको, लेकिन जो हकीकत है उससे रूबरू जरूर करा रहे हैं। बेड की किल्लत अब भी है, वेंटिलेटर्स की किल्लत अब भी है, ऑक्सीजन की किल्लत अब भी बनी हुई है। दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहाँ से आज भी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत वहाँ पर बनी हुई है। हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार को आगाह कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट लगातार बातचीत कर रहा है केंद्र सरकार से मांग रहा है जवाब कि आप बताइए कि क्या प्लानिंग है। केंद्र सरकार लगातार जवाब भी दे रही है, लेकिन स्थिति जस की तस है। यानी कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि अब जाकर स्थिति सामान्य होगी, वो कहीं ना कहीं उलट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है 1 मई से। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि कल भी इस पर हमने चर्चा की थी, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन सभी को वैक्सीन लगेगी। लेकिन उसको लेकर कल जो रजिस्ट्रेशन होना था, उसकी जब शुरुआत हुई तो सर्वर पूरी तरह से डाउन हो गया था। हालांकि शाम होते होते या सुबह की मैं बात करूँ तो 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन टाइम और जगह उन्हें अब तक नहीं पता चल पाई है, क्योंकि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर पारुल लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसे में तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि अभी हम वैक्सीनेशन नहीं शुरू करेंगे। उसमें महाराष्ट्र सबसे पहले है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र का ये कहना है, दिल्ली भी शामिल होता नजर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। उनका ये कहना है, हर बार यही हवाला दिया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है, हम क्या करें, हम इस अभियान की शुरुआत कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। केंद्र सरकार भरोसा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसे में लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है आम जनता। पारुल, ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन टाइम उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जगह उन्हें नहीं पता है, तो 1 तारीख को जब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और कैसे वैक्सीन लगवाएंगे। बिल्कुल काजोल, देखिए कल जिस तरह से, सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन शुरू होने से लेकर 4 बजे जिस तरह से रजिस्ट्रेशन जब शुरू हुआ तो साइट्स जो हैं, आरोग्य सेतु ऐप हो या फिर कोविन हो, सब एकदम से हैंग हो गई, सर्वर एकदम से डाउन हो गया, क्योंकि भारी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे कि कब 4 बजेंगे और हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो ऐसे में तमाम खबरें भी ऐसे आई और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा कि कोविन या फिर आरोग्य सेतु ऐप का सर्वर डाउन हो गया। उसके बाद जैसे तैसे लोगों को फिर वो अपडेट करने लगे तो OTP आने में बहुत ज़्यादा समय लगने लगा। OTP आया तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन जब बारी आई स्लॉट मिलने की, वहाँ पर लोगों को कोई स्लॉट मिलता नजर नहीं आया। क्योंकि देखिए, मैं अपनी खुद की बात बताती हूँ, मैंने भी कल रजिस्ट्रेशन किया कोविन पर, तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, नाम आपका आधार कार्ड से लिंक हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर भी मांग लिया गया, लेकिन जो वहाँ पर स्लॉट आ रहा था कि किस अस्पताल में किस टाइम पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और जाकर वैक्सीन लगवा नहीं है, वो वहां पे नजर नहीं आता। यानी कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही अभी स्लॉट वहां पर नजर आ रहे थे, अभी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए स्लॉट वहां पर नहीं बने हुए। तो ऐसे में देखिए, 1 तारीख से वैक्सीन लगाने की बात तो की जा रही है, लेकिन लगता नहीं है कि 1 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी 18 साल से ऊपर के लोगों को। इसलिए संशय बना हुआ है कि 1 तारीख से इस महाअभियान में क्या हम दाखिल हो पाएंगे, क्या हम इसका फायदा। हालांकि काजोल, आप अपनी बात पूरी करिएगा, एक बात और बता दूं मैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्लॉट अलॉट कर दिया गया, बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्लॉट मिल चुका है। क्योंकि देखिए, ये स्लॉट मिलने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम अस्पताल ऐसे हैं जो अपनी साइट से अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐप के जरिए आपको स्लॉट अभी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल पारुल, देखिए इससे एक नकारात्मक प्रभाव तो दिखाई दे रहा है, लोग टेंशन में नजर आ रहे हैं कि उन्हें स्लॉट नहीं मिला है, लेकिन एक पॉजिटिविटी ये है कि अगर हम कुछ कुछ, जैसे 1 करोड़ लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया, 1 करोड़ से ज्यादा ही हो गई होगी संख्या, क्योंकि मैं सुबह की बात कर रही हूँ, सुबह तक की, तो जिन लोगों को स्लॉट मिला है, कुछ लोग होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है या हमारा ऐसा मानना है या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो,
जो सेंटर्स होंगे वहां पर भीड़ ना लगे, इस वजह से शायद स्लॉट अभी नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास अपडेट आ जाए, क्योंकि आधार से लिंक है, आपका फोन नंबर है उसमें, हो सकता है कि जब आपको स्लॉट मिले तो आपके पास मैसेज आ जाए, आपको जानकारी मिल जाए, मैसेज आ भी सकता है, या फिर कहीं कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको सीधा जाकर साइन इन करना पड़ेगा और अपना नंबर डाल के ओटीपी आपको मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा जाकर अपना स्लॉट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। और काजोल, आप भीड़ की लगातार बात कर रही है कि भीड़ ना इकट्ठी हो, मे बी इसलिए हो रहा है ये चीज। तो आज देखिए, मुंबई की मैं बात बता दूं, अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन जो है वो लग रही है, लेकिन ऐसे में अब वैक्सीन की तमाम राज्य जो है कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन की डोज खत्म होती जा रही है। इसीलिए मुंबई में आज एक तस्वीर ऐसी सामने आई जहां पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो है वैक्सीन सेंटर पर पहुंच गए और वहां पर डोज भी नहीं थी, उसके बाद भी लंबी लंबी लाइन और भीड़ नजर आई थी। तो ऐसे में देखिए, एक तारीख के बाद अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो स्थिति तभी पता चलेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्लॉट कब मिलेगा किसको ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों के पास तो समय है, लेकिन राज्यों के पास या फिर कहें कि केंद्र के पास अभी उतनी मात्रा में डोज नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हम अलग अलग राज्यों को डोज दे रहे हैं और अगले 3 दिन में डोज दे देंगे, ताकि 1 तारीख से जो महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू हो रहा है उसे तेजी से बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए, कोरोना की जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है देश में, उसे रोकने में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा अहम कदम है, क्योंकि जितने लोग ज्यादा वैक्सीनेशन लगवा लेंगे उतना कोरोना का संक्रमण जो है कम होता नजर आएगा। काजोल, बिल्कुल पारुल, और अभी आपने जो महाराष्ट्र का जिक्र किया है कि 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं वो सेंटर्स पर पहुंच गए और बोलने लगे कि हमें वैक्सीन लगवानी है, लेकिन वहां पर डोजेज नहीं थी। देखिए, इसलिए मैंने जिक्र किया है कि भीड़ की स्थिति ना हो, लोगों को लगा कि डोजेस खत्म हो गई है, क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ खबरों के माध्यम से, तो लोगों में डर है। देखिए, केंद्र, कल भी मैंने समझाया था अपनी जनता को और आज भी मैं बता रही हूँ कि केंद्र सरकार जो डोजेस अलॉट कर रही हैं वो 45 साल से ज्यादा वालों के लिए है, जो राज्य सरकारों को दे रही है केंद्र सरकार। बाकी जो राज्य सरकार सीधा इंस्टीट्यूट से ले रही है वो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको डोजेस रहेंगी, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में डोजेस हैं, मसला है तो 18 साल से ऊपर के जो महाअभियान शुरू होने वाला है इसको लेकर, उस पर नजरें टिकी हुई हैं, उस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दो तारीख को, लेकिन इस मई के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से सरकार की तैयारियां हैं, तेजी के साथ वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जिसने तेजी के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा किया है। करोड़ों लोगों को हमारे देश में वैक्सीन लग चुकी है भारत, बिल्कुल, और 1 तारीख से और ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस पीक की हम बात कर रहे थे, जिस पीक का लगातार कहा जा रहा है कि मई के महीने में मिड में पीक आएगी कोरोना की, वो कहीं ना कहीं शायद फिर कम होती भी बहुत जल्दी नजर आएगी। क्योंकि देखिए, आज भी एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि अभी जो देश में कोरोना से हालात हैं, स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य सेवाएँ जो है पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन अब जो आने वाली पीक की बात करें, अब देश में जो मई के महीने में पीक आएगा, ऐसे में 5 लाख ICU बेड्स की जरूरत पड़ेगी अगर इसी तेजी से केसेस जो है बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, देश में अभी तक 90 लाख ICU बेड्स मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर भरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में 5 लाख ICU बेड्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही 2 लाख डॉक्टर्स और 1.5 लाख नर्सों की जरूरत जो है देश में पड़ने वाली है। यानी कि स्थिति देश में आगे आने वाले 15 दिन, देखिए ये मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा दिन की स्थिति रहने वाली, क्योंकि रिपोर्ट्स में काजोल लगातार यही दावा किया जा रहा है, बिल्कुल उतनी तेजी से नीचे भी आएंगे मामले, तो घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये आपको ये सुनिश्चित करना है कि इन 15 दिनों में आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। आप सावधानी अभी भी बरत रहे हैं और बरतते भी रहेंगे, लेकिन आने वाले 15 दिन जो है काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं, उन 15 दिनों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपने 15 दिन अपने आप को संभाल लिया तो आपने जंग जीत ली। बिल्कुल, इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि कोरोना से हमारा देश जंग लड़ रहा है और जितनी बेहद जरूरी है। देखिए, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, शमशानों में स्थिति इतनी भयावह है, अस्पतालों में स्थिति इतनी भयावह जिसे देखकर दिल दहल जाता है। इसलिए इन 15 दिन, 1 तारीख से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है, उसी दिन से प्रण ले लीजिए कि बेवजह आप बाहर नहीं जाएंगे, मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे, हाथों को सैनिटाइज जरूर करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इस 15 दिन आपने संभाल लिया तो आप कहीं ना कहीं कोरोना को मात दे देंगे, क्योंकि इन 15 दिनों में पीक आने वाला है। एक्सपर्ट, जैसे कि पारुल ने अभी बताया, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पीक आएगा,
दो तीन तारीख को हो सकता है कि मामले 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, 15 तक होते होते हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, मौत का आंकड़ा भी 1 लाख को पार कर सकता है। बिल्कुल, तो आप समझिए, देखिए हम डरा नहीं रहे हैं आपको, बस इतना कह रहे हैं कि आप अलर्ट हो जाइए, सावधान रहिए ताकि मौत का आंकड़ा ना बढ़ सके। देखिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर मामले ज़्यादा आ रहे हैं संक्रमण के तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्यु दर नहीं बढ़ना चाहिए, मृत्यु दर बढ़ रहा है वो घबराने की बात है, इसलिए सावधान रहना, सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है। रही बात वैक्सीन की, तो वो हर किसी को लगवानी है क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि 100% साबित हो चुका है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को रोकने में ये वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। भारत सरकार की परमिशन पहले से ही मिली हुई है, दूसरे देशों को भारत ने वैक्सीन पहुँचाई है। अब तमाम देश ऐसे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, भूटान जैसा छोटा देश, अमेरिका जैसे बड़े देश, ये सभी जो हैं भारत को मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कच्चे माल के थ्रू हो, चाहे वेंटिलेटर की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे वो बेड्स की बात करें या फिर डॉक्टर्स की बात करें, वहां से एक्सपर्ट जो हैं वो भी भारत आ सकते हैं, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है अगर ऐसी स्थिति आती है। बिल्कुल, इसलिए ऐसी स्थिति ना आए, लगातार यही दुआ भारत का हर एक व्यक्ति कर रहा है कि बस करो, अब ईश्वर से यही कामना है कि इस कोरोना से जल्दी निजात मिले, क्योंकि अब इंसान जो है पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। लेकिन इसी बीच जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसे भी कम होना, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आपके आसपास अगर रेमडेसिविर का कोई भी कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी हो रही है, तो इसकी कंप्लेन ज़रूर करें, क्योंकि आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, अभी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचाई जाए। पारो बिल्कुल काजोल, लगातार स्वास्थ्य विभाग भी यही कह रहा है कि, हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अभी देश जो है संकट में है, ऐसे में कालाबाजारी जो कर रहे हैं वो लोग ना करें, क्योंकि जो जरूरत है सबसे ज्यादा लोगों तक ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां पहुंचने की है। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना मुनाफा देख रहे हैं, अपने लिए काला बाजारी करें ताकि ऐसे संकट भरे समय में ज्यादा पैसे वो कमा सके। लेकिन देखिए दिल्ली हाईकोर्ट भी लगातार यही अपील कर रहा है, काला बाजारी कर रहे लोगों से कि वो ऐसा ना करें। और साथ ही साथ देखिए आज कोरोना को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि यूपी में 3 दिन का लॉकडाउन अब लगा करेगा, यानी कि देखिए सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन पहले लग रहा था, अब उसकी म्याद जो है बढ़ा दी गई है, यानी कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन अब लगा करेगा, फ्राइडे की रात से ट्यूजडे की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन अब यूपी में रहा करेगा। हालांकि अब ये कब तक रहेगा आगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कहा गया है कि अगले आदेश तक ये लॉकडाउन जो है लागू रहेगा 3 दिन का। लेकिन पारुल इसी बीच एक और जानकारी मैं बता दूं कि लॉकडाउन तो रहेगा, ये वीकेंड का जो लॉकडाउन है जो सैटरडे संडे रहता था मंडे कर दिया गया है, मतलब आपने बताया कि ट्यूजडे सुबह 7 बजे, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है वो बरकरार रहेगा, नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया, नाइट कर्फ्यू जो है वो रहेगा ही रहेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और देखिए लगातार तमाम ऐसे लोग हैं, दिल्ली हो, गुजरात हो या यूपी हो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार से लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि मिनी लॉकडाउन की देश को जरूरत है, या फिर 15 से 10 दिन का लॉकडाउन देश में लगाया जाए, क्योंकि जो चेन है कोरोना की वो तोड़नी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में दिल्ली में भी व्यापारी संगठनों ने ये दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि वो 15 दिन का लॉकडाउन दिल्ली में लगाएं, क्योंकि दिल्ली में पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मामले जो हैं दिल्ली में वो कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो लॉकडाउन है ना उसमें हम उसे एक कोरोना कर्फ्यू कहें, बिल्कुल कि लॉकडाउन कर्फ्यू कहें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अगर मैं ज़मीनी स्तर की बात करूं, क्योंकि मैं दिल्ली से ही आती हूं, तो लोग ना बेवजह भी बाहर निकल रहे हैं, वो सख्ताई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, जो पिछले साल की तस्वीर थी वो नजर नहीं आ रही है, ये सच्चाई है। देखिए प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर प्रशासन की दखलअंदाजी नहीं हो रही है, लोग सब्जी लेने के बहाने, दूध लेने के बहाने, राशन लेने के बहाने भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। पिछली बार हमने देखा था कि इतनी सख्ताई थी कि लोग तो क्या, मुझे ऐसा लगता है कि परिंदा भी कहीं ना कहीं पर नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐसी चीजें हैं कि लॉकडाउन के बहाने भी लोग निकल रहे हैं, तो वो सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है पारुल, अगर दिल्ली सरकार ने जितने दिन का लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, इतने दिन अगर सख्त लॉकडाउन होता तो दिल्ली के आंकड़े बहुत कम हो चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल काजोल, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि दिल्ली में अगर सख्त लॉकडाउन लगा होता तो मामले जो है कम हो जाते, और यही सेम चीज महाराष्ट्र की भी है। महाराष्ट्र में भी देखिए फिर से पाबंदियां बढ़ा दी गई है, ऐसे में लेकिन मामले कम होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में कोरोना की पीक आएगी, फिर देश में केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी लॉकडाउन को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। और कोरोना को लेकर जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।